कालाबाजारी को लेकर जिले के ग्राम पटेवा में जैन कृषि केंद्र में छापामार कार्रवाई की गई। ग्राम पटेवा में जैन कृषि केंद्र देवराज जैन की गोदाम में कृषि अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव एसएल देश लहरे के टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान किसानों को निर्धारित मूल्य 1350 से अधिक दाम 1620 रुपए में डीएपी खाद बेचा जाना पाया गया, जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त गोदाम को घुमाकर पुलिस की उपस्थिति में सीलबंद कर कृषि केंद्र के मालिक देवराज जैन के विरुद्ध थाना घुमका में खाद की कालाबाजारी के मामले में एफआईआर कराए जाने की जानकारी दी गई। राजनांदगांव से पी राघव की रिपोर्ट। सर, आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ग्राम पटेवा थाना क्षेत्र घुमका में आप क्या पाए? ग्राम पटेवा के जैन कृषि केंद्र के प्रोप्राइटर देवराज जैन के द्वारा किसान को डीएपी खाद निर्धारित मूल्य 1350 के विरुद्ध 1620 में विक्रय किया जा रहा था, जो कि उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 3 का सरासर उल्लंघन है और एक कालाबाजारी की श्रेणी में आता है। किसान के द्वारा हमको दूरभाष पर संपर्क किया गया, अवगत कराया कि ऐसा ऐसा अधिक रेट पर बेचा जा रहा है। हमारी टीम विभागीय योजनाओं की समीक्षा के लिए घूम रहे थे आसपास। हम तत्काल संबंधित दुकानदार के दुकान में छापामार कार्रवाई किए। डीएपी खाद 36 बोरी उनके गोदाम में सील किया गया है और उर्वरक के कालाबाजारी करने के कारण प्रकरण तैयार करके थाना घुमका में एफआईआर के लिए कार्रवाई के लिए प्रकरण दिए हैं। और कुछ विशेष? बाकी विशेष तो नहीं है। किसानों से आग्रह है मेरे कृषि विभाग की ओर से, अगर कोई भी उर्वरक विक्रेता अधिक दर पर विक्रय कर रहा है तो तत्काल जो उर्वरक निरीक्षक हैं या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हमारे क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको अवगत कराएं, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये थे हमारे कृषि विस्तार अधिकारी अनुभागीय कृषि अधिकारी राजनांदगांव। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप उर्वरक जो विक्रेता हैं, जिनको निर्देश मिला था कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी अधिक मूल्य में नहीं बेचना है, अगर आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे होंगे तो सतर्क हो जाइए। ये शासन का आदेश है कि हमको ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना है और आप इस प्रकार की कार्रवाई हमको करने के लिए मजबूर ना करें। खाद की कमी तो नहीं है सर जिले में? अभी वर्तमान में बीच में डीएपी की कमी आई थी, उसके बाद दो रेक आने का लगभग 7000 टन डीएपी आया था जिले में।